अक्षय कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, ये इंडिया की आन बान और शान है। आखिर क्यों मैं इस तरह से अक्षय कुमार का इंट्रो दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपसे यही गुजारिश करता हूँ, अगर आपने बॉलीवुड के इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि कई लोगों तक अभी भी नोटिफिकेशंस काफी कम पहुंच रही है। यहाँ पे बड़ी अपडेट ये है कि अक्षय कुमार ने 17 जून को याद होगा बीएसएफ के साथ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरा दिन बिताया था और उस दौरान अक्षय कुमार ने 1 करोड़ की मदद देने का वादा किया था। अब ये माजरा क्या था, ये किस चीज के लिए 1 करोड़ दिए गए वो मैं आपको बताता हूँ, उससे जुड़ी हुई अपडेट है ये एक्चुअली। तो कश्मीर में ये जो इवेंट था जहां पे अक्षय कुमार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ जवान के साथ वक्त बिताया, उन्हें चेयरअप किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उसी दौरान जब वो घूम रहे थे वहां कहीं इलाके में किसी स्कूल को वो तहस नहस होता हुआ देखा, यानी कि बहुत ही उसका ढांचा नहीं था सही तरह से और गड़बड़ था। तो अक्षय कुमार ने अपनी खुद से रजाबंदी कही कि उन्होंने कहा बीएसएफ को कि यार हमें यहाँ पे अगर स्कूल बना सकूं मैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि एक जो ये गिरा पड़ा स्कूल है इसको बेहतर तरह से बनाया जाए और इसके लिए मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ की धनराशि देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, 1 करोड़, ठीक है। तो अक्षय कुमार ने वो 1 करोड़ दिए और बीएसएफ ने 27 जुलाई को एक पोस्ट किया, जुलाई 17 को ही मिले थे, माफ करना जून 17 को नहीं मिले थे बीएसएफ से, जुलाई 17 को ही थे, ठीक है। तो 10 दिन के भीतर ही 27 जुलाई को एक ट्वीट पोस्ट किया है बीएसएफ वालों ने और साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने उस स्कूल की नींव रख दी है यानी कि इनॉग्रेशन कर दिया यानी कि आधारशिला रख दी है और वहां पर आपको जानकर बहुत ही फक्र होगा और प्राउड होगा, स्पेशली अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा प्राउड होगा कि वो स्कूल का जो वो बोलते ना स्तंभ जो भी लगाया गया है, एक वॉल है ना कि कौन बनाता है या कौन उसका फाइनेंशियल, तो उसका नाम लिखा है तो उसमें साफ लिखा है हरिओम भाटिया एजुकेशन ब्लॉक, यानी कि अक्षय कुमार ने इस स्कूल को अपने लेट पिता हरिओम भाटिया के नाम पर रखा है यानी कि उन्हें डेडिकेट किया है इस स्कूल की इस जगह को और स्कूल के एक्चुअल जो नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नीरू, ये नाम है, ये कश्मीर में है। और आपको बहुत लोगों को शायद पता हो या ना हो, अक्षय कुमार पूरा नाम राजीव हरिओम भाटिया है और हरिओम भाटिया उनका उनके पिताजी का नाम है जिससे वो बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उन्हीं के लिए अक्षय कुमार ने 1 करोड़ दान दिया है। और ये इसलिए भी नहीं दिया कि सिर्फ उनके पिताजी के लिए, इसलिए दिया है कि जो भारत का भविष्य है, जो स्पेशल कश्मीर जैसे इलाकों में रहता है उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई लिखाई उज्जवल हो, एक बढ़िया और बड़ा स्कूल उनके लिए बने और जहां पर बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और ताकि आगे जाकर वो बच्चे दुआएं दे। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने बहुत ही नेक काम किया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेल यू दिस न्यूज और उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल अगले साल तक तैयार हो जाए और बच्चों के लिए अगले साल के मिड तक मतलब जून जुलाई तक और बच्चे उसमें फिर से अमन शांति से पढ़ने जाएं। तो कितने खुश हैं आप इस खबर से जरूर बताइएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो जरूर आपको इससे प्राउड हुआ होगा इस खबर को सुनकर। और आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगेगा ही, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की अलग डिफरेंट यूनिक खबरें मैं लाता रहता हूँ। चलिए फिर कितना है।